Good morning, everyone. How are you all? I hope you all are fine at your home. Today, let's start the new chapter. Chapter 16, Means of Transport. Imagine the life of early humans. आपने अर्ली ह्यूमंस के बारे में पढ़ा है, रीड किया है, तो मालूम है कि अर्ली ह्यूमंस की क्या लाइफ थी. वो कैसे उनको कहीं ट्रैवल करना होता था तो कैसे ट्रैवल करते थे? बाय फुट, पैरों पे मतलब पैदल चलकर. बाय फुट क्या करते थे? पैदल चलकर ट्रैवल करते थे. जहाँ पर उनको जाना होता था वो पैदल चल के जाते थे, बाय फुट जाते थे. इन एंशियंट टाइम्स देयर वर नो मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट. एंशियंट टाइम्स में, बहुत पुराने समय में क्या होता था, मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट होते ही नहीं थे. मतलब वहाँ से कोई, वहाँ पर उस टाइम पे कोई गाड़ी नहीं होती थी. व्हील का इन्वेंशन नहीं हुआ था तो फिर मीन्स ऑफ तो ट्रांसपोर्ट कहाँ से होता? अर्ली ह्यूमंस ट्रैवल ऑन रोड. जो अर्ली ह्यूमंस होते थे वो क्या करते थे? बाय फुट, पैदल चल के ट्रैवल करते थे. दे आइदर वॉक और ट्रैवल ऑन द बैक ऑफ एनिमल्स. या तो वो पैदल वॉक करते हुए ट्रैवल करते थे या फिर एनिमल्स की बैक पर बैठकर, एनिमल्स की पीठ पर बैठकर वो ट्रैवल करते थे. With the invention of wheel, their life became easier. जैसे ही व्हील का इन्वेंशन हुआ, लाइफ क्या हुई? ईजियर हो गई. Humans then traveled on bullock carts and horse carts. और फिर जो humans हैं, जो लोग हैं, जो इंसान हैं, उन्होंने क्या कर दिया? Bullock carts और horse carts से ट्रैवल करना शुरू कर दिया. From simple locks to modern vehicles, humans have worked hard to make their life easier, comfortable. जो लोग हैं, जो पीपल हैं, उन्होंने सिंपल लॉक्स से मॉडर्न व्हीकल्स तैयार कर लिए हैं और अपनी और इतनी मेहनत करी है, इतना हार्डवर्क किया है कि अपनी लाइफ को उन्होंने क्या बना दिया है, लोगों ने, पीपल ने क्या बना दिया है? ईजियर बना दिया, कंफर्टेबल बना दिया है. व्हीकल्स कैरी गुड्स एंड पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. एज यू नो एवरीवन, जो आजकल के जो व्हीकल्स क्या करते हैं, गुड्स और पीपल को क्या करते हैं, एक प्लेस से, वन प्लेस से दूसरी प्लेस पर लेके जाते हैं. सम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लाइक टू व्हीलर्स एंड और बसेस आर यूज टू कैरी पीपल एंड गुड्स ओवर शॉर्ट डिस्टेंस. शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हम टू व्हीलर्स यूज करते हैं या बस यूज करते हैं. ट्रेन्स एंड एयरक्राफ्ट कैरी पीपल एंड गुड्स टू फार प्लेसेस. और जब बहुत जो फार प्लेसेस हैं, जो बहुत दूर वाली प्लेसेस होती हैं, तो उसके लिए हम एयरक्राफ्ट या फिर ट्रेन यूज करते हैं. एयरक्राफ्ट आर द फास्टेस्ट एंड ऑल्सो द मोस्ट एक्सपेंसिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. जो एयरक्राफ्ट है वो सबसे फास्टेस्ट और सबसे कॉस्टली, सबसे एक्सपेंसिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है. मतलब सबसे महंगा जो है वो एयरक्राफ्ट है और सबसे फास्ट जो है वो भी एयरक्राफ्ट ही है. शिप्स आर यूज टू कैरी वेरी हैवी गुड्स. शिप्स तब यूज किया जाता है जब आप बहुत ज़्यादा हैवी गुड्स ले जाना हो, उसके लिए हम शिप्स यूज करते हैं. ट्रेवलिंग बाय शिप्स इज द चीपेस्ट बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. जो शिप होता है, शिप में बहुत ही कम खर्चा आता है, बहुत ही चीपेस्ट मतलब सबसे कम पैसे जो लगते हैं, सबसे कम जो खर्चा आता है वो शिप में आता है. लेकिन जो शिप से आप अगर जा रहे हो कहीं, या गुड्स कहीं जा रहा है, माल कहीं जा रहा है, तो उसको वहाँ पहुँचने में बहुत टाइम लग जाता है. इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम. मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. देर आर थ्री काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट. थ्री काइंड के ट्रांसपोर्ट होते हैं. लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट. द काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट वी चूज डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस ट्रैवल, द मनी वी हैव एंड द टाइम अवेलेबल. हम जिस ट्रांसपोर्ट को चूज करते हैं वो डिपेंड करता है कि हमारे पास पैसा कितना है, उसमें खर्चा कितना आएगा, उसमें टाइम कितना लगेगा और वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, या कितने डिस्टेंस मतलब डिपेंड ऑन डिस्टेंस ट्रैवल, कितने डिस्टेंस से ट्रैवल होकर जाएगा. ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है, तब हम उस ट्रांसपोर्ट को चूज करते हैं. इंडिया हैज़ अ वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज एंड वाटरवेज. जो इंडिया है, इंडिया में बहुत वेल डेवलप्ड सिस्टम है, चाहे वो रोडवेज का सिस्टम हो, चाहे वो एयरवेज का सिस्टम हो, चाहे वो वाटरवेज का सिस्टम हो, चाहे वो रेलवेज का सिस्टम हो, या रोडवेज का या रेलवेज का किसी का भी सिस्टम हो, इंडिया में वेल डेवलप्ड है सारे सिस्टम. Road transport, roads. India has one of the largest network of roads in the world. जो आपने देखा है, जो इंडिया में क्या है, largest network है roads का. Some means of transport move on land only. कुछ transport ऐसे होते हैं जो सिर्फ land पर move करते हैं.
like trains, buses, tractors, cars, trucks, scooters, tongas. Tongas क्या होते हैं? जिसे हम कहते हैं ना घोड़ा गाड़ी, टांगा, उसे हम बोलते हैं टोंगास. एंड कार्स आर ऑल मीन्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट. ये जितने भी ट्रांसपोर्ट है, ट्रेन है, बसेस, ये सब क्या है? जो ऐसे ट्रांसपोर्ट जो लैंड पर चलते हैं. इट इज़ अ कॉमन एंड कन्वीनियंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर पीपल एंड गुड्स. और ये जो ट्रांसपोर्ट है ये बहुत ही कॉमन और कन्वीनियंट है, जो सब जगह मिल जाता है, ईजिली मिल जाता है लोगों को. नेशनल हाईवेज आर बिग एंड वाइड रोड्स दैट कनेक्ट सिटीज, स्टेट कैपिटल्स, टाउन्स एंड पोर्ट्स. जो नेशनल हाईवेज हैं वो बिग और वाइड रोड्स होते हैं, जो सिटीज, स्टेट कैपिटल्स, टाउन्स, पोर्ट्स, इन सबको क्या करता है? कनेक्ट करता है. नेशनल हाईवेज ये ऐसे रोड होते हैं. दे आर बिल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. और ये जो नेशनल हाईवेज होते हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू बनवाए जाते हैं. स्टेट हाईवेज कनेक्ट विलेजेस टू टाउन्स एंड इवन सिटीज एंड आर मेंटेन बाय द स्टेट गवर्नमेंट. और जो स्टेट हाईवेज होते हैं ये कनेक्ट होते हैं विलेजेस से टाउन तक या सिटीज, उनसे कनेक्ट होते हैं ये स्टेट हाईवेज. और जो स्टेट हाईवेज होते हैं ये मेंटेन किए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू. रोड्स कैन बी मेटल्ड, अनमेटल्ड और कच्चा रोड. रोड्स मेटल रोड्स हो सकते हैं, अनमेटल्ड रोड्स हो सकते हैं. मेटल रोड्स मतलब जो कोल, सीमेंट और टार से बनाए जाते हैं वो क्या होते हैं? मेटल्ड रोड्स होते हैं, जिन्हें हम पक्का रोड्स बोलते हैं. और अनमेटल जो विलेजेस में होते हैं मोस्टली, जो कच्चा होते हैं, जो कच्चे होते हैं, जो जो सीमेंट टार उनसे नहीं बनाया जाता, वो क्या है? अनमेटल है, कच्चे रोड हैं. मेटल रोड्स ऑल्सो कॉल्ड पक्का रोड्स. मेटल रोड्स को हम पक्का रोड्स भी बोलते हैं. आर मेड ऑफ कोल, सीमेंट एंड टार. और जो पक्का रोड होते हैं, जो पक्के रोड होते हैं, वो सीमेंट, टार और कोल से बनाए जाते हैं. मेटल रोड्स आर आइदर फॉर हैवी व्हीकल्स लाइक बसेस, टैंकर्स और इवन कार्स. और जो मेटल रोड होते हैं वो हैवी होते हैं, एक आइडियल होते हैं हैवी व्हीकल्स के लिए, जैसे बसेस हैं, टैंकर्स हैं, कार्स हैं, इन सब के लिए क्या होते हैं? हैवी होते हैं. मतलब वहाँ पर अब जब इस तरह के हैवी व्हीकल्स चलते हैं तो रोड खराब नहीं होता है, आइडियल होते हैं. अनमेटल रोड्स आर फाउंड इन विलेजेस एंड स्मॉल टाउन्स. और जो अनमेटल रोड्स होते हैं, जो कच्चे रोड होते हैं, जो सीमेंट टार से नहीं बनाए जाते हैं, उन्हें हम कच्चे रोड बोलते हैं, अनमेटल रोड्स बोलते हैं. और ये अनमेटल रोड्स विलेजेस और टाउन्स में, स्मॉल टाउन्स होते हैं, विलेजेस होते हैं, वहाँ पर होते हैं. रिमेनिंग चैप्टर विल कंटिन्यू ऑन नेक्स्ट टाइम. हैव अ गुड डे. थैंक यू.